हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम बनाएंगे सूजी की इडली। सबसे पहले हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, एक कटोरी सूजी को उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ पे हम खट्टा दही लेंगे, ये एक दिन पुराना दही है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम मिलाते जाएंगे इस तरह से। थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा। इसमें हम कुछ पानी भी ऐड करेंगे, मिलाते रहिएगा फ्रेंड्स। उसी बर्तन से हमने फिर से पानी लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें मिलाते जाएंगे और बैटर को घोलते जाएंगे इस तरह से। बैटर को चलाते रहिएगा फ्रेंड, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, नहीं चलाएंगे तो। फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे, फटाफट से फिर से चलाते रहेंगे और एक स्मूथ सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। अब मैंने बैटर को बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे मैं रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रख दूँगी। बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे बैटर को फिर से एक बार चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बैटर फिर से रखने के बाद गाढ़ा हो गया है। सूजी ने अपना सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें मैं फिर से पानी डाल करके बैटर को पतला कर लूँगी। बैटर को हमें ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, नहीं तो हमारी इडलियाँ सॉफ्ट नहीं बन पाएंगी। थोड़ा सा थिक सा ही रखूँगी। फिर से पानी ऐड करूँगी इसमें और चलाते हुए एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे इस तरह से। बैटर बन के रेडी हो गया। अब मैं बैटर में नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को आप अपने स्वाद के अनुसार ही लीजिएगा। फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे, अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। अब इसमें मैं हाफ चम्मच इनो का यूज कर रही हूँ। आपके पास सोडा है तो वो भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इनो का यूज कर रही हूँ। अब हाफ चम्मच इनो ले लिया है। फिर से एक चम्मच पानी का यूज करेंगे। इनो को बैटर में अच्छी तरह से मिला लेंगे। फटाफट इनो डालने के बाद फटाफट से मिलाना है फ्रेंड्स आपको भी इस तरह से। और पहले से बर्तन को तैयार करके रखिएगा। मैं इडली को कटोरी में बना रही हूँ तो मैंने कटोरी में थोड़ा ऑयल लगा लिया है और बैटर को इसमें डालते जाऊँगी। थोड़ा सा ही, थोड़ा थोड़ा बैटर ही आपको डालना है इस तरह से, देख सकते हैं आप। दोनों कटोरियों में कर लूँगी। अब चलते हैं गैस की तरफ। मैंने पानी पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, पानी बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम अपनी दोनों कटोरियों को इसमें रख देंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। जो बैटर मेरा बच गया था उन्हें भी मैंने उसी तरह से ही दोनों कटोरियों में भर लिया है, उन्हें भी स्टीम करने के लिए रख दूँगी। ये सूजी की इडली फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती हैं, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इडली को चेक कर लेती हूँ किसी चाकू की सहायता से, फिर चम्मच से। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इडली हमारी बन करके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इन्हें मैं बाहर निकाल के ठंडा कर लूँगी। ठंडा होने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स। जब ये ठंडी हो जाएंगे तब इन्हें हम टच करेंगे इस तरह से, देखते हैं। साइड से ही अपने आप ही हट रही हैं। इन्हें हम
निकाल लेंगे इस तरह से। आप देखिए फ्रेंड कितनी स्मूथ से इतनी बढ़िया हमारी इडली बन करके तैयार हो चुकी है। इसी तरह से मैं सभी इडलियों को निकाल के एक प्लेट में रख लूँगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।